कभी हैकर किसी का बैंक खाता साफ कर देते हैं, तो कभी हैकर संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगा देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कमजोर पासवर्ड। ये पहली कड़ी है जब आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है। ऐसे में आज हम समझेंगे पासवर्ड की इंपॉर्टेंस। एक मजबूत पासवर्ड क्यों चाहिए, क्यों पासवर्ड हमारी जो नई डिजिटल एज है उसमें साइबर सिक्योरिटी का सबसे पहला सेफ्टी का पड़ाव है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है मजबूत पासवर्ड के लिए, किस किस तरह के इंपॉर्टेंट हम स्टेप्स उठा सकते हैं, इस पर हम विस्तार से एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, लौट रहा हूं मैं खास मेहमानों के साथ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत कीजिए राहुल त्यागी का, को फाउंडर है सेफ सिक्योरिटी के, बहुत बहुत स्वागत है राहुल। शेखर अशोक पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं सिक्योर क्लॉक के, बहुत बहुत स्वागत है शेखर आपका। और हमारे साथ है नम्रता अग्रवाल, एसोसिएट डायरेक्टर साइबिल की, बहुत बहुत स्वागत है नम्रता आपका भी हमारे शो पर। इम्पोर्टेंट है कि हमारा पासवर्ड किस तरह का हो, कैसा हो, और सबसे पहले तो उसकी इम्पोर्टेंस हमको उतनी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि सारी डिजिटल लाइव्स में जैसा अभी राहुल ने भी बताया शेखर, ये हमारी डिजिटल लाइव्स का सेफ्टी लॉकर है। अगर इसकी चाबी किसी के हाथ में लग गई, पासवर्ड हाथ लग गया किसी के, तो हम सब गए। लेकिन अभी फिलहाल पासवर्ड्स की दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत सारे हम देख रहे हैं कि पासवर्ड मैनेजर्स आ गए हैं जो आपको पासवर्ड मेकिंग में असिस्ट करते हैं। क्या चल रहा है अभी पासवर्ड की दुनिया में, और अभी एक आम नजरिया पासवर्ड की इंपॉर्टेंस को लेकर क्या है? धन्यवाद दीपक जी, राहुल जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत की। तो मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे जो पासवर्ड रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपना पहला नाम, अपना सरनेम, अपना रूम का नंबर, गाड़ी का नंबर, अपना पेट का नाम, या फुटबॉल क्रिकेट 1 2 3 4 5 6 यही रखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड की तरफ कोई जाता नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उसको याद कैसे किया जाए। और दूसरी बात है कि बहुत सारे जो पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं, साइबर अटैक, और जो बहुत सारी कंपनीज पे भी जो साइबर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट में कंपनीज पे साइबर अटैक कैसे रिड्यूस की जाए उसी सब्जेक्ट में मैंने डॉक्टरेट की है एसएसबी जिनेवा स्विट्जरलैंड से। तो वहां पे बहुत सारे जो अटैक्स होते हैं उसमें क्रीडेंशियल थेप किए जाते हैं और बहुत सारे साइबर क्राइम्स उससे अंजाम दिया जाता है। तो इसलिए पासवर्ड को सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे अभी सॉफ्टवेयर्स भी आ गए, टूल्स आ गए जो आपको मदद करते पासवर्ड को रिमेम्बर करने के लिए, पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए। तो ब्राउजर में सेव करने से अच्छा है उस टूल में यूज की उसको आप सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ एंटीवायरस, कुछ जो ऐसे टूल्स है वो कई कंट्रीज में बैन किए गए, क्योंकि अभी जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है और जो बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं इसराइल और अमेरिका, और बहुत सारी साइबर टेररिज्म भी चालू है, तो उसमें कुछ कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व है। तो जब भी आप कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो उसका हमेशा ध्यान रखिए कि वो पासवर्ड प्रोटेक्शन वाली जो टूल जिसने बनाई है वो कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भले ही वो कितने भी अच्छे से आपको फीचर्स दे रही है, अगर हम लोग भारत देश में तो हमें भारत के जो ऐसे टूल्स प्रोवाइडिंग कंपनीज है उनके सॉफ्टवेयर्स को यूज करना चाहिए। तो ये बात भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो पासवर्ड है वो शायद गलत लोगों के हाथ में जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वॉर की कंडीशंस भी आ रही है और वॉर का जो डेटा है वो पहले तो ये साइबर क्रिमिनल्स से इकट्ठा किया जाता है और बाद में वॉर में उसको इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी टिप्स हैं पासवर्ड को लेकर। देखिए आज की डेट में हमारी दिनचर्या की शुरुआत, हर चीज की शुरुआत और डिजिटल लाइफ की अगर कहीं से शुरुआत होती है तो वो हमारे पासवर्ड एंटर करने से होती है। आप ऑफिस आते हैं, लॉगिन करते हैं, वहाँ पासवर्ड आपको चाहिए। आप डे टू डे ईमेल्स वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर पासवर्ड चाहिए। तो आप ये दिन की शुरुआत करने वाला हमारा डिजिटल लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसलिए पासवर्ड को लेकर और जो भी भ्रांतियाँ और प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, याद कैसे रखें। अब आजकल टूल्स तो आ गए हैं लेकिन उन टूल्स में भी अगर हम अपने पासवर्ड को डाल रहे हैं, जैसा अभी
एक पैनलिस्ट ने बताया, अभी शेखर ने भी बताया कि अगर आप उन पर भी रिलाय कर रहे हैं तो वहां पर भी उनके एक्सपोज होने का खतरा होता है। तो ऐसे में सही तरीका क्या हो, अगर हम ईमेल के अंदर पासवर्ड्स रखते हैं अलग अलग, अगर आपका ईमेल हैक हो गया तो एक साथ पासवर्ड चले जाते हैं, लिखकर आप कब तक पासवर्ड रखेंगे, ये पुराना मेथड है, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं डोंट नो। फोन के अंदर आप रख नहीं सकते, फोन भी आपका हैक हो जाएगा तो सारे पासवर्ड चले जाएंगे। तो फिर ये जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि पासवर्ड सुरक्षित और याद कैसे रखें, इस पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बड़ी बुनियादी चीज पे हम बात कर रहे हैं और वो है पासवर्ड। हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द जो सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि कुंजी है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की, हमारे फाइनेंस की, हमारे करियर की, हर चीज की। राहुल, बहुत तरीके से पासवर्ड से जुड़े हुए जो थ्रेट्स हैं, अव्वल तो पासवर्ड गेसिंग, कोई भी पासवर्ड गेस कर लेता है आजकल, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, पासवर्ड थेफ्ट जिसे कहा जाता है, देन पासवर्ड हैक क्रैकिंग भी है जिसमें वो क्रैक कर लेते हैं आपका पासवर्ड, एंड देन पासवर्ड बाईपास ऑल्सो। तरीके क्या हैं? एक छोटा सा तरीका जो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ा, उन्होंने कहा कि साहब आप पासवर्ड मत बनाइए, आप फ्रेजेस बनाइए और उन फ्रेजेस को याद रखने में भी आपको वो जब सेंटेंस होगा तो आपको याद रहेगा। तो क्या इस तरह की बेसिक चीजें और हो सकती हैं जो एक आम आदमी के लिए जानना बड़ा जरूरी हो सकता है? राहुल, इनफैक्ट एक को तो मैं तुरंत फॉलो कर रहा हूं कि एक सेंटेंस फ्रेज और वो भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में। ये बहुत ही शानदार टिप आपने दी, मुझे लगता है कि सबको फॉलो करनी चाहिए। शेखर, एक बात बताइए, पासवर्ड, मैं सोच रहा था कि हम पासवर्ड क्यों भूल जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आया वो ये आया कि क्योंकि हम लॉक्ड इन रहते हैं। हमने एक बार लॉग इन किया, लॉक्ड इन है, अब महीनों महीनों हम लॉक्ड इन है, हमें बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कभी अगर हमको दूसरे डिवाइस पे जाके लॉग इन करना होता है तब याद आता है, अरे यार पासवर्ड क्या था मैं तो भूल ही गया। तो कितना सुरक्षित, क्या ये सुरक्षित है कि आप अलग अलग डिवाइसेस पे लॉन्ग टर्म के लिए लॉग्ड इन रहें, या ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी कि जितनी बार लॉग इन करें उतनी बार पासवर्ड डालें? जो भी डिवाइस आपके कंट्रोल में है, जैसे आपका मोबाइल फोन आपके हमेशा साथ रहता है, आपका पर्सनल लैपटॉप आपके साथ रहता है, उसमें अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट के लिए जो इतनी ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं हो रही है, जिसमें ज्यादा सेंसिटिव डेटा नहीं है, तो ऐसे वेबसाइट्स के लिए आप रख सकते हो कि ऑलवेज लॉग्ड इन, वो भी आपके कंट्रोल में जो डिवाइस है उसके लिए। लेकिन अगर बैंकिंग वेबसाइट है या फिर कोई हाईली सेंसिटिव वेबसाइट है जिसमें आपका डेटा लीक होने की गुंजाइश है, तो वहां पे ऐसा ना कीजिए। और मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा राहुल जी के साथ, जैसे मेरे पास भी एक टेक्निक है जिससे हम लोग पासवर्ड को याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों की ये समस्या रहती है कि पासवर्ड को याद कैसे रखे। तो कोई भी ऐसे बुक लीजिए, जैसे मैंने ऑथर किया हुआ बुक है BDSLCCI साइबर सिक्योरिटी का, तो उसका कोई भी पन्ना ऐसे ही रैंडमली ओपन कीजिए। जैसे मैं अभी आया हूँ 143 पेज पे, तो यहाँ पे मैं हमेशा याद रखूंगा कि पहले लाइन के जो दो शब्द है, जैसे इंप्लीमेंट लोकल इंटीग्रिटी चेक्स देयर कोड टू ट्रैक आउट एनी, ऐसा कोई सेंटेंस है यहाँ पे, तो मैं उसके पहले दो शब्द उठाऊंगा, जैसे हो गया इंप्लीमेंट लोकल, और ये दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां पे मैं हैश या स्टार, जैसे राहुल जी ने अच्छे से बताया, ऐसे कोई तो वाइल्ड कैरेक्टर वहां पे लगा दूंगा, और आगे कोई एक नंबर मुझे चाहिए रहता है न्यूमरिक अल्फा न्यूमरिक पासवर्ड बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पेज का जो नंबर है 143 उसको मैं आगे लगा दूंगा, तो पहला लेटर या बीच वाला जो सेकंड वर्ड का लेटर है उसको मैं कैपिटल बनाऊंगा। वेरी स्मार्ट। तो मेरा जो पासवर्ड है वो हो गया अल्फा न्यूमरिक, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, और मैं इस पेज का जो फोटो है वो मेरे मोबाइल पे सेव करके रखूंगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने पहला लाइन चूज किया था, कोई व्यक्ति अपने अपने अनुसार कोई भी एक लाइन या कोई भी एक लाइन चुन सकता है। ये बहुत अच्छी टिप है शेखर, इनफैक्ट बहुत अच्छी टिप है, ये भी बहुत बढ़िया है, इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। और हम सबके घरों में हमारे पास कोई ना कोई बुक जरूर होती है, और अगर आपसे वो बुक ऐसा ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो फोटो खींच के रख लें जैसा शेखर ने बताया। तो बहुत ये आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एडिशन दिया। नंबर वन, एक तो चेंज करते रहना आपने, नंबर टू के पासवर्ड आपने स्ट्रांग बना लिया तो आपको बस
चुपचाप नहीं बैठना है, आपको बहुत तरीके से अटैक आएंगे और उन अटैक्स के बारे में अवेयरनेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां वहां जाकर जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पासवर्ड गेस करके ही आपको नहीं कर सकता है, हैकर्स बहुत सारे टूल्स अपनाते हैं और उसमें आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज की ये चर्चा काफी सार्थक रही। थैंक यू सो मच नम्रता अग्रवाल, आपने वक्त निकाला। मैम शेखर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर आवर व्यूअर्स। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।